नमस्कार सर, हाँ जी सत साहिब, क्या नाम है आपका? जी मेरा सुखदेव दास है। सर जो ये बताया जा रहा है कि बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर जो भंडारा रखा गया है, आखिर ये बोध दिवस है क्यों और ये क्यों मनाया जा रहा है? बोध दिवस का मतलब है इस दिन हमारे गुरु जी को आदेश नाम दीक्षा मिली और वो सत्संग करने के आदेश उनके गुरु जी के द्वारा दिए गए थे और उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब कि समाज से बहुत ही बुराइयां हटाने का काम किया है, जैसे कि यहाँ पर शादियां भी होती है दहेज मुक्त। जैसे किसी के पास दो चार लड़कियां हो तो उसके माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाता है कि उसकी शादियां कैसे करेंगे, लेकिन परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने वो बोझ बिल्कुल हल्का कर दिया है कि एक रुपया भी नहीं लगता है और बेटियों की शादी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर फ्री में हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े आपको कितना टाइम हुआ है? 3.5 साल हुए मैडम, लेकिन उससे पहले मैं 25 साल मैंने डेरा सिरसा में लगाए हैं, वहाँ पर मुझे कोई सुकून नहीं मिला। उसके बाद मैंने नमो नारायण से लिया था, वहाँ पर मुझे कोई सुकून नहीं मिला, मैं दर दर भटक रही थी, लेकिन यहाँ पर मुझे परमात्मा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल है, मैं घरोंडा डिस्ट्रिक्ट करनाल से। क्या करते हो आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, एमकॉम कर रही हूँ। जैसा कि आम समाज में हम देखते हैं कि आप जैसे यंग जो लड़कियां हैं आजकल वैलेंटाइन डे चल रहा है उस पे एंजॉय करती है, पार्टीज में जाती है, क्लब्स में जाती है, तो आप आज यहाँ एक सत्संग में आए हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है? मैम पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उसके बाद तो मन में आता ही नहीं है कि हमें एंजॉय करना है, वैलेंटाइन डे मनाने हैं। ये आज का जो यूथ है उन्होंने ये सब चीजें उनके लिए आम हो गई है, एंजॉय करना, कॉलेज लाइफ में एंजॉय करना, ये सब चीजें उनके लिए आम है। इस संसार में हम क्या मतलब वैलेंटाइन वीक मनाए, यहाँ की सारी चीजें नश्वर है। मतलब कि जो गुरु नानक देव जी है उनकी एक वाणी है, न जाने काल की कर डारे किस विठल जे पासा वे, जिन्हां दे सिर ते मौत खड़कती उन्हां नू केड़ा हासा वे। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं और इस लोक से अलग एक सतलोक है उसके बारे में बताते हैं। सर कहाँ से आए हो आप? चीका से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2 साल हो गए जी। हर प्रकार का नशा जो आप देखते हैं बाहर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, क्या आप भी कोई नशा करते हैं? करता था जी, बहुत ज्यादा नशा करता था, शराब भी पीता था बहुत ज्यादा जी। कम से कम 10 साल हो गए जी, मेरी 30 साल उम्र है, 10 साल से शराब लग गया था पीन जी। तो इतनी शराब पीता था कि मैं ब्यासा वाले का फिर मैंने नो लिया जी, ब्यासा मैंने 10 साल हो गए थे जाते को, मेरी मम्मी ने तो 30 ही साल हो गए जी, कोई लाभ नहीं मिला उसे, कोई कुछ नहीं। तो फिर 10 साल मैंने सेवा बहुत की जी, पर सेवा तो करते थे जी मैम, उधर बीड़ी भी ले जाते थे लको के, उधर अंदर एन खुली पीते थे बीड़ी, नशा भी करते थे, शराब भी पीते, सारा कुछ ही करते थे जी जाकर। तो फिर मैंने संत रामपाल महाराज का किताब मिली जी, मैंने देखा मैं ये बात जो लिख रखी नहीं हो सकती है। जब जी लॉकडाउन लगा था जी, मैंने फोन किया जी एक भगत पर, भाई मैंने तो नाम आज ही लेना है वहां संतसा सच का, मैंने सत्संग समझ आ गया जी सत साहिब का, तो अभी लेना है। तो बोला भाई इनका ठीक है सुबह आ जाऊंगा मैं, तो मैंने ऑनलाइन नाम लिया जी। फिर मैंने मजाक सा लगा जब भी, मैं ये कैसे है, ऐसे नहीं बात हो सकती, वो क्या अभी छूट जाएगा नशा। तो मैम फिर मैंने ले लिया जी, मेरी 2 दिन के अंदर बीड़ी छूट गई जी बिल्कुल, और नशा का तो हाथ ही नहीं करा जी। ब्यासा जाता था जी, शराब जरूर छोड़ दी थी, 4 साल से नाम लिया था ब्यासा वाले का जी, नशा छोड़ दिया था। फिर जब मैं फीम लागे करन तो कभी कभी फीम खा लेता था, तो फिर क्या नशा छोटा जी। वो ऐसा क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से 2 दिन के बाद ही आपका नशा छूट गया जो पिछले 10 सालों से नहीं छूट रहा था? ये चमत्कार नहीं और क्या है जी, मैं भी यही सोच रहा था, कोई दवाई नहीं, कोई बट्टी नहीं, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जी पता नहीं कहां कहां से दवाई लेते हैं, कितने कितने पीसे की आती है, पर नशा छूटने का क्या, बीड़ी भी नहीं छुटा सकता जी डॉक्टर। तो मैंने भी यही सोचा भी कैसे छूट जाएगा, तो मैंने तो 4 दिन मंत्र किए जी बाबा जी के लेकर, दूसरा ही दिन बीड़ी छूट गई, दूसरा ही दिन बीड़ी छूट गई जी, नशा का तो हाथ नहीं लगाया, 2 साल हो गए जी बिल्कुल। ये कमाल है जी, ये शक्ति नहीं और बाबा जी में क्या है जी, नहीं कोई डॉक्टर बीड़ी तक नहीं छुटा सकता जी, चैलेंज है, कोई डॉक्टर बीड़ी भी छुटा दे। मेरे साथ के यार मित्र हैं चंडीगढ़ दिल्ली कहाँ कहाँ से लेते हैं नशा छुटाने के लिए, दवाई लेते हैं पर कोई प्रभाव नहीं है जी, ऐसे ही नशा करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे आप 10 साल पिछले 10 साल से 20 साल से आप नशा करते थे
और आप नशा नहीं करते तो आपको कोई 1 करोड़ का इनाम दे और बोले आके आपका कोई दोस्त हो कि आपको मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा तो मेरे साथ दोबारा से नशा करने लग जा, तो क्या आप नशा करना स्टार्ट कर देंगे दोबारा से? मैम मुझे अगर सारा इंडिया का राज भी दिया जाए ना तब भी नहीं नशा करूंगी। ऐसा ज्ञान है जी, अगर एक बार इसे सुन के देखे ना, सुनने तो बाजा बाजा तो जी ऐसे कह देता हूँ मैं भाई, मेरे ओड़ी तो देख लो मैंने ऐसे किया था ऐसे करता था, अब मेरे में तो सुधार देख के थोड़ा सुन तो लो। लोग सुनते भी नहीं मैम, सुनने में तो कोई डर नहीं, एक बार देखे ना इतना समझ आएगा कि शरीर में एक ऐसी किरण जाती है अंदर, बस पता नहीं क्या शक्ति जाती है, रब को पता है जी, सारा शरीर का उसका सत्संग सारा शरीर को ऐसे निहाल कर देता है, बिल्कुल गारंटी है जी मुझे। अगर कोई भी नशा है जो टिक्के लगाते हैं चाहे कुछ भी करते हैं सब नशा छूटेगा जी। थैंक यू सर। देखिए किस प्रकार कोई इनको माचिस तक मंगाता है तो ये वो भी लाकर नहीं देते,